हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y21T एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऑटो अपडेट वॉलपेपर सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटो अपडेट वॉलपेपर सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर का, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब लॉक स्क्रीन पोस्टर इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट वॉलपेपर। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को टैप करना है, इसे ऑन करना है, ठीक है। अगर ये बटन आपका ऑन नहीं होगा ना, तो आपको करना क्या है, इसी पेज में आपको है ना सबसे ऊपर वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर के सामने जो बटन है इसे आपको ऑन कर देना है। अब आपको नीचे आकर ये ऑटो अपडेट वॉलपेपर का बटन ऑन करना है, तो ये ऑन हो जाएगा, ये ब्लू कलर में बटन ऑन हो जाएगा। अब ये सेटिंग जो है ऑन होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके मोबाइल फोन में जो वॉलपेपर होते हैं ना, वॉलपेपर आपके दो तरीके से होते हैं। देखिए, एक तो आपके मोबाइल फोन में वॉलपेपर होते हैं आपके लॉक स्क्रीन पोस्टर के, ये वाले जो आप इस तरीके से लॉक स्क्रीन पर स्लाइड करते हैं, तो ठीक है, ये वाले वॉलपेपर आपके ऑटो अपडेट हो जाएंगे। जब भी इनका कभी भी अपडेट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। तो ये सेटिंग जो इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है। और ध्यान रखिएगा कि आपके ये वॉलपेपर ऑटो अपडेट तभी होंगे जब आपके मोबाइल फोन का डेटा ऑन होगा। जो आपके सिम का जो डेटा होता है ना, वो आपका ऑन होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल फोन जो है किसी भी वाईफाई या किसी भी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होगा ना, तो ये वॉलपेपर ऑटो अपडेट नहीं होंगे। सिर्फ आपका मोबाइल फोन का डेटा ऑन होना चाहिए, मोबाइल सिम का, ठीक है, तभी ये सेटिंग काम करती है। ध्यान रखिए, आपके जो लॉक स्क्रीन के पोस्टर वॉलपेपर है ये आपके ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। जो आपके मोबाइल फोन में जो दूसरे सेटिंग में जो होते हैं ना, जो आपके थीम्स या वॉलपेपर होते हैं सेटिंग के अंदर दूसरे, वो वाले वॉलपेपर आपके अपडेट नहीं होंगे। ये जो आपके लॉक स्क्रीन के पोस्टर वॉलपेपर होते हैं यही आपके अपडेट होंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके फोन में।